बिजनौर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय पर प्रतिदिन जनसुनवाई के दौरान पुलिस कार्यालय पर अपनी समस्या लेकर आए आमजन की समस्याओं को सुना गया, साथ उनके त्वरित निस्तारण एवं कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पोती के साथ शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर उपस्थित हुए। हमीरपुर में दिन दहाड़े दो बाइक सवारों ने एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन खींच ली, तो वहीं बाइक सवारों का भागते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने चोरों की तलाश करनी शुरू कर दी है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मेहरीपुरी गली का है। कन्नौज पुलिस ने लंबे समय से सिरदर्द बना राहुल उर्फ रौला गिरोह के तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों के कब्जे से तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। पकड़ा गया गैंग मोबाइल टावर से रंगदारी वसूलता था और कुछ दिन पहले एक नेता को रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। जनपद कन्नौज के थाना सौरिक क्षेत्र में पिछले दिनों दो घटनाएं सामने आई थी। एक घटना थी जो मोबाइल टावर हैं उनसे रंगदारी मांगने का प्रयास हुआ था, और इसके अलावा एक जिला पंचायत सदस्य को जान से मारने का प्रयास हुआ था। इन दोनों ही घटनाओं में जो गैंग था पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। इस गैंग का सरगना राहुल यादव है जो एक हिस्ट्री सीटर है और थाने का टॉप 10 अपराधी भी है। इसके दो साथी प्रमोद कुमार और पवन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। ये परावर के पास एक जो टावर है वहाँ के बगल में छुपे हुए थे और पुनः ये अपराध करने के ताक में थे। इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से दो अवैध तमंचे मिले हैं। इसके अलावा जो भी इस गैंग के अन्य जो वांछित हैं उनमें मोहित यादव, सौरभ और अन्नू शर्मा का नाम बताया जा रहा है। शीघ्र ही इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, अब तक कितने लोगों से रंगदारी मांगने का सामने आया था मामला? ये जानकारी आई थी कि ये जो मोबाइल टावर होते हैं ये इन्हीं से जो है डीजल के रूप में रंगदारी मांगते थे, तो अभी ये इस बात सामने आई है। मुरादाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर पेट्रोलियम पंप के पास भारतीय गौरक्षक सेना ने मुखबिर की सूचना पर एक कुंटल गौमांस और एक बाइक पकड़ ली है। वहीं दो गौ तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। मामला ये कि लगातार हम दो तीन दिन से पकड़े हैं, अभी परसों भी हमने खाली पकड़ी थी। आज सुबह 4 बजे की घटना, हमारे जो मुखबिर तंत्र है, हमारी जो गौरक्षा में अंदर काम कर रही है टीम हमारी गोपनीय विभाग, उसने सूचना दी कि कुछ लोग मोटरसाइकिल से गौमांस लेके और करूला हाजी कल्लन को देने आ रहे हैं। तो हमने अपनी टीम लगाई और तत्काल उसको मौके से पकड़ा गया, लेकिन वो नाले में कूद कर वो भागने में सफल रहे। हमने एक मोटरसाइकिल और लगभग एक क्विंटल गौमांस हमारी पूरी टीम ने पकड़ कर मझोला पुलिस के हवाले किया। पुलिस मौके पर पहुंची? पुलिस बहुत देर बाद पहुंची। हम चौकी और थाने को फोन नहीं उठे। हमने 112 नंबर बुलाया। 112 नंबर को आने के बाद आधे पौन घंटे बाद पुलिस आई, और हम पहले भी मंझोला पुलिस से कई बार शिकायत कर चुके हैं, अधिकारी से भी कर चुके हैं कि मंझोला क्षेत्र में आज़ाद नगर जमील अहमद है, दानिश है, भूरा है, तस्लीम है, हाजी कल्लन है, उनका एक बेटा बड़ी मात्रा में गोकशी करके जंगल आरटीओ ऑफिस के आसपास जंगल में नदी पर या उसमें उमरी पर करके वो बड़े मात्रा में चौकी दसरा क्षेत्र, जयंतीपुर क्षेत्र और टीपी नगर क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट नगर चौकी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में गौमांस बिक, सभी दुकान में लगभग 80% गौमांस बिक रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री सौरभ गगुणा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। इससे पूर्व मंत्री बगुणा का स्वागत जोलीकोट बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा भी किया गया। इस दौरान नैनीताल की विधायक सरिता आर्य समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया। पीलीभीत में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने मुखबिर द्वारा मिली सूचना पर छापेमारी की है, जिसके बाद पुलिस ने बंद पड़े मकान में चल रहे आईपीएल में सट्टेबाजी का कारोबार करने वालों को धर दबोचा। रायबरेली के राजगंज कोतवाली क्षेत्र के खजूर गांव में नवजात बच्चे का शव मिला। बच्चे का शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। रायबरेली पुलिस ने एक और चेन स्नेचर को गिरफ्तार किया। दो दिन पहले चेन स्नेचर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में भाग गया था, जबकि इसका साथी एजाज पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक जिले में लगातार हो रही चेन स्नेचिंग को लेकर इनकी धरपकड़ चल रही है। पिछले 4 महीने से रायबरेली के विभिन्न थानों, विशेषकर कोतवाली, मलेरिया, बचरावा और ऊंचाहार में एक चेन स्नेचिंग का गिरोह सक्रिय हो गया था, जिससे 4 महीने के अंदर करीब 9 चेन स्नेचिंग कर ली थी। इसको पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इंस्पेक्टर ऊंचाहार, इंस्पेक्टर कोतवाली, मलेरिया और एसओजी प्रभारी की एक टीम क्षेत्राधिकारी नगर के उसमें लगाई गई, और इस टीम ने काफ़ी प्रयास के बाद सीसीटीवी फुटेज
और सर्विलांस और पुलिस की अपनी जो मुखबिरी है उसके माध्यम से काफ़ी प्रयास करने के बाद इस गैंग का के सदस्यों को पकड़ा। और जैसा कि आपको जानकारी है कि परसों इसी संबंध में एक एजाज नाम का मुलजिम था जिसके ऊपर करीब 29 मुकदमे थे, उसके साथ पुलिस मुठभेड़ हुई थी, उसको गिरफ्तार किया गया। उसका एक साथी वहाँ से फरार हो गया था जिसको आज ऊंचाहार पुलिस और बाकी एसओजी और सभी की पुलिस ने मिलकर पकड़ा। और जो पूछताछ से एजाज से जानकारी हुई थी कि उसने बताया कि उसके साथ भूपेंद्र और एक अन्य व्यक्ति। शाम में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से स्वचालित विदेशी AK-47 राइफल 13 बरामद किया है। बदमाश संजीव जीवा गैंग का सदस्य है तथा कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है।